तो यहाँ का कड़ी पकौड़ा कैसा टेस्ट है? बहुत बढ़िया, यहाँ जैसा नहीं मिलता कहीं भी। मैंने अहमदाबाद में भी ट्राई किया जी जी, लेकिन यहाँ जैसा नहीं मिलता। टेस्ट एकदम बढ़िया है। कैसा लगता है, मतलब आप जैसे गुजरात खाते हो यहाँ खाते हो तो? गुजरात के और यहाँ के टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। ये अलग ही है एकदम। जो होता है ना, कुछ चीज़ों का टेस्ट उस जगह पे आता है, वो ऐसी चीज़ है। यहाँ पे आप खाओगे और वहाँ पे आप खाओगे, आपको जमीन आसमान का अंतर लगेगा। वहाँ तो जय श्री राम, जय गौ माता। आज आपको लेके आया अब रोड की सबसे पुरानी दुकान और सबसे प्रसिद्ध कड़ी पकौड़े की दुकान, जिसका नाम है प्रजापति नाश्ता सेंटर, जो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। पालमपुर हाईवे होटल मनाली के पास शिफ्ट की गई है। तो एक बार आप जरूर वहाँ विजिट करें। और ये जो उनका जो पुराना लोकेशन था, यहाँ से वो दुकान वहाँ शिफ्ट की है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ एक बार विजिट करें और वहाँ कड़ी पकौड़ा का जरूर आनंद लें। तो चलिए, उस 100 मीटर की दूरी पर आपको ले जाते हैं। सामने है पालमपुर का हाईवे और वहाँ पे स्थित है नाश्ता हाउस। चलिए आपको ले जाते हैं कैमरामैन। तो ये है पालमपुर हाईवे और सामने है मनाली होटल, उसके जस्ट पास में ही है प्रजापति नाश्ता सेंटर। तो चलिए आपको वहाँ की जो नया लोकेशन उसका बताते हैं पूरा। तो आइए प्रजापति नाश्ता सेंटर का करते हैं विजिट और यहाँ का जो टेस्ट है कड़ी पकौड़ा का पूरा टेस्ट बताएंगे, कैसी रेसिपी बनती है, पूरा उसका विस्तार से आपको वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो में जरूर बने रहना। तो अभी हम चेकपोस्ट के जस्ट आगे ही है पालमपुर हाईवे, वहाँ पे अपने प्रजापति नाश्ता सेंटर है। वैसे हम अंबाजी जा रहे थे और हमने आसपास पूछा कि सबसे यहाँ पे प्रसिद्ध नाश्ता कौन सा है। तो लोगों ने बताया कि प्रजापति नाश्ता सेंटर, जहाँ पे कड़ी पकौड़े मिलते हैं। तो हम भी एक बार यहाँ आए और आज उसका व्लॉग बना रहे हैं। उसका जो टेस्ट कैसा है आपको इस व्लॉग के माध्यम से पूरा बताएंगे। और दूसरी ये बात है कि उनकी जो पुरानी शॉप थी, वहाँ से उन्होंने 100 मीटर की दूरी पे शिफ्ट की गई है, तो उसका हम पूरा बताएंगे। आइए आपको अंदर लेके जा रहे हैं। तो भाई आपने खा के कैसा टेस्ट महसूस करा है? हमने मतलब अदर जगह पर खाया है, लेकिन उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और उनके जो 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 कड़ी है वो सबसे बेस्ट है यार। भी अच्छा इसमें यूज़ हो रहा है और बहुत सफाई से काम यहाँ कर रहे हैं। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उनका जो लोकेशन था पुराना, वहाँ से उन्होंने 100 मीटर की दूरी पर पालमपुर हाईवे मनाली होटल के जस्ट पास में शिफ्ट करा है। तो एक बार आप ज़रूर विजिट करें और पहले वहाँ सपोर्ट करते वैसे ही उनको यहाँ पे भी आप सपोर्ट करें। कुछ लोगों को पता नहीं है तो आप लोकेशन जरूर इस वीडियो के माध्यम में आप जरूर पता रहे और यहाँ आके विजिट करो। यहाँ का टेस्ट एक बार जरूर, क्योंकि हमें खुद अच्छा लग रहा है यहाँ खा के, बहुत शानदार टेस्ट है। तो चलिए अब जानते इस प्रजापति नाश्ता सेंटर के ओनर है, उनके उनसे जानते हैं कि ये उनकी जो ब्रांच कब से चालू थी और इसका कैसे ग्रोथ हुआ। मेरा नाम शांतिलाल प्रजापति है और पहले मेरा शॉप ये पालमपुर अंबाजी जो सर्कल है ना, चेक पोस्ट पुल के नीचे, वहाँ पे शॉप था। तो वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था, तो वो सब शॉप सारा सब हट गया वहाँ से। और वहाँ पे 40 ईयर्स पुराना था शॉप। और अभी ये पालमपुर सर्विस रोड पे मैंने शिफ्ट किया, 100 मीटर की दूरी पे। जो पुरानी जगह से पालमपुर सर्विस रोड पे आओगे ना, 100 मीटर की दूरी पे ये प्रजापति नाश्ता सेंटर। और बहुत से जो कस्टमर है उनको मालूम नहीं है। और ये भी चालू किए हुए सिर्फ 22 या 25 दिन हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है बस। तो जो मेरे जो कस्टमर है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप ये अगर वीडियो देखते हो तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मेरे जो कस्टमर है उनको ज़रूर पता चले कि भाई शॉप यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। जो इस शॉप का जो कंफ्यूजन है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा लोकेशन बता रहे हैं।
तो वापिस जहाँ आप वहाँ सपोर्ट करते थे वैसे ही आप उनको यहाँ सपोर्ट करें और यहाँ पे जरूर विजिट करें। तो वैसे अपने नाश्ते में क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे कचौड़ी समोसा मिर्ची वड़ा कड़ी पकौड़ा ये सब मिलता है। और 99% सब जैसे कि कड़ी पकौड़ा सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। कड़ी पकौड़ा कचौड़ी है ये मतलब सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो क्या एक प्लेट का क्या प्राइस है इसका? 30 रुपये बस। अच्छा 30 रुपीज वन प्लेट। मोस्टली जो उसका जो अपने नाश्ते सेंटर का जो टाइमिंग है वो बताता है, कंफ्यूज ना हो। वो मॉर्निंग से 6:30 से दोपहर को 2 या 2:30 बजे तक बस। अच्छा, उससे ज्यादा इवनिंग में शाम को कुछ नहीं, मतलब सुबह से 2 बजे तक ही रहता है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सुबह से आप 2 बजे तक आप जो कभी भी यहाँ पे विजिट कर सकते हो और यहाँ का जो नाश्ता का टेस्ट वो आप जरूर आना मिला है। अपने वहाँ से आपने यहाँ शिफ्ट किया था, आप क्या बोलोगे उन लोगों को? सर मेरा कहना ये है कि आप पहले से हमको वहाँ सपोर्ट करते हैं उसी तरह यहाँ पे भी हमको सपोर्ट कीजिए। हम पालमपुर हाईवे की तरफ में हम शिफ्ट हुए, हम मनाली के जस्ट पास में शंकर ट्रांसपोर्ट पास में हमारी दुकान है प्रजापति नाश्ता सेंटर। आप वहाँ पर आए अवश्य और हमारी दुकान को सपोर्ट करें प्लीज़ सर, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं कि हम इस जगह पर भी बैठे हैं। तो भैया आप ये बताइए कि इसमें जो मसाले यूज होते हैं वो आप खुद बनाते हो? यस सर, ये मेरे फादर बनाते हैं मसाले सारे, ये हमारे सब देसी मसाले घर के और ये हमारे फादर बनाते हैं और ये हमारे फादर का उनके हाथ का स्वाद है कम्प्लीट और उन्होंने हमको कला दी है और उसी कला से ये आज हम फेमस है। जी जी। और हमारे फादर की मेहरबानी और हमारी एक शॉप और है जो यहाँ से इसी दुकान से 1.5 किलोमीटर आगे रिक्को चौकी के सामने पालमपुर हाईवे पर। कौन चलाता है वहाँ? मेरे फादर ही चलाते हैं, उनका नाम है कपूर भाई और आप कपूर भाई के नाम से मेरे पिताजी का फेमस नाम है पकौड़े के नाम में। तो दोस्तों जब भी आप आबू रोड आओ घूमने के लिए, माउंट आबू वगैरह घूमने के लिए आओ तो आप इस पालमपुर हाईवे पे स्थित है प्रजापति नाश्ता सेंटर, तो एक बार हमारी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है एक बार जरूर विजिट करें। भैया यह जो टेस्ट आप बनाते हो इसमें स्पेशल क्या चीज़ डालते हो ऐसा जो टेस्ट? जो भी टेस्ट है सर हमारे फादर के हाथ का है, उन्हीं को ही पता, ऑर्गेनिक मसाले मेन बात ये है। फिर भी आप जैसे अदर जगह हम खाते हैं तो कुछ तो आपको स्पेशल चीज़ है? नहीं सर, ये सब कैसे कि हर जगह पर कोई गर्म मसाला ज़्यादा यूज करता और हमारे पास जितने भी मसाले सब क्वालिटी के मसाले, ब्रांड के मसाले हैं, हम बिना ब्रांड का यूज कोई चीज़ नहीं करते। हमारे पास में बकाया लक्ष्मी भोग का बेसन फॉर्चून तेल में हम फ्राई करते हैं हर चीज़ को, लोगों को 2 पैसा हम लोगों से मांग कर लेंगे, बकाया लोगों को हम अच्छी चीज़ खिलाएंगे जिससे उनके हेल्थ के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। अधिक से अधिक लोग हमको सपोर्ट करें, कृपया जो भी वीडियो देख रहा है यहाँ पे जरूर पधारें और यहाँ का एक बार नाश्ते का टेस्ट जरूर चेक करें। सपोर्ट की जरूरत नहीं है उनको, बस उनकी क्या नई जगह से पुराने से नई जगह पे आई है तो वो उनको सपोर्ट चाहिए, बाकी वही टेस्ट है और वही लोग हैं। चल तो जैसे कि उनके वैसे फैमिली बिजनेस है तो उनके साथ में उनके मामा जी है। मामा जी कब से काम कर रहे हो आप उनके? मैं लंबे टाइम से कर रहे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आप मामा जी के साथ काम करके? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है क्या? ये अच्छा है कि फैमिली के साथ रहती है तो काम सबसे अच्छा ही रहता है। चलिए, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आप इस जगह आते हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आप वहाँ आए, ठीक है? और सबसे यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, आपको यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि उनको टाइम नहीं मिलता है, तो इससे बेहतर है कि यहाँ पे एक सेल्फ सर्विस है तो आप खुद लो और खुद खाओ। और दूसरी बात, कचरा कचरे पात्र में डाले ताकि स्वस्थ रहे और बीमारियाँ वगैरह ना रहे। चलिए जानते हैं यहाँ का रिव्यू कैसा है। राम राम सर, कहाँ से आए हो? मैं अहमदाबाद। आप रेगुलर आते हो? हाँ रेगुलर आता हूँ। तो यहाँ का कड़ी पकौड़ा कैसा टेस्ट है? बहुत बढ़िया, यहाँ जैसा नहीं मिलता कहीं भी, मैंने अहमदाबाद में भी ट्राई किया जी जी, लेकिन यहाँ जैसा नहीं मिलता। तो यहाँ जितने भी बार आना होता है खा के ही जाने का। पहले आप उस शॉप पे जाते थे ना? हाँ, पहले आगे जो चौराहे पर थी वहाँ पे हम लोग जाते थे जी जी, यहाँ ढूंढते। आपको कैसे पता चला यहाँ पर? वहाँ लोकली पूछा जी जी, और बोर्ड भी लगाया तो हम आ गए यहाँ पे। आप क्या प्रेफर करोगे लोगों को कि यहाँ आके? यहाँ आके कड़ी पकौड़ा मस्ट ट्राई है जी जी, फिर समोसा भी है जी, समोसा हालांकि अभी खत्म हो गया। चलो थैंक यू। अब हम कहाँ से आए आप? मैं अहमदाबाद से। तो आप इस प्रजापति नाश्ते सेंटर पे कब से आ रहे हो? मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 6-7 साल हो गए, मैं जब भी इस तरफ आता हूँ मैं जी जी जरूर विजिट करता हूँ। कैसा टेस्ट वगैरह? टेस्ट एकदम बढ़िया है। कैसा लगता है, मतलब आप जैसे गुजरात खाते हो यहाँ खाते हो तो? गुजरात के और यहाँ के टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। ये अलग ही है एकदम, जो होता है ना कुछ चीज़ों का टेस्ट उस जगह पे आता है वो ऐसी चीज़ है। यहाँ पे आप खाओगे और वहाँ पे आप खाओगे आपको जमीन आसमान का अंतर लगेगा। वहाँ भी है काफ़ी सारे जी जी, बट ये टेस्ट नहीं मिलता। पहले उनकी यहाँ ओल्ड, वो पहले वहाँ हाईवे पे थी जी, मैं अभी ढूंढते हुए आया यहाँ। अच्छा, मैं हाईवे से निकल रहा था तो मैंने देखा वहाँ पे था नहीं, वहाँ बोर्ड मारा हुआ था, मैं इस तरफ आया। चलिए थैंक यू। थैंक यू।
क्या बोलोगे? बहुत ही बढ़िया टेस्ट है जी, प्रजापति नाश्ता है उसका जी जी। हम सब लोगों को बोलते हैं कि आप एक बार जरूर आइए, आपका खाना खाइए। रेगुलर आते हो कि फर्स्ट टाइम आए हो? मैं तो रेगुलर ही आता हूँ, जब भी आप महसाना से आते हो तो आप एक बार विजिट करते हो। आप भी जो वीडियो देख रहे हो महसाना अहमदाबाद पालमपुर, तो एक बार जरूर विजिट करें। तो कल आप मोहन टापू से हो जी जी। इनका नाश्ता इतना फेमस है कि आबू रोड की जन्मभूमि के लिए सर इनके मुकाबले इनका नाश्ता किसी का ही नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? आबू रोड के इतिहास में इनका नाश्ता जिसने बीच में बंद रहा तो आबू रोड की पब्लिक आधी आधी हो गई थी इनके नाश्ते के बिना। कब से आप खा रहे हो? मैं लगभग 20 साल से। नहीं, आप कब से खा रहे हो? मैं 10 साल से। 10 साल से खा रहा हूं। कैसा टेस्ट आएगा? आलीशान टेस्ट। भीड़ वगैरह कैसी रहती है? आलीशान भीड़, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट आइटम, बेस्ट चीज, बेस्ट बेसन, बेस्ट तेल और बेस्ट सर्विस। चलो, थैंक यू सो मच फॉर। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। और